हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दी पार्ट टू सक्सेस आरएम यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहां मैं वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन कराता हूं। और गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली आपका जो कि इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरीज आती है, आपको पता ही होगा इंग्लिश में वोकैबुलरीज और idioms, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, ये आपका एज इट इज़ पूछे जाते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो हमारा जो आज की वीडियो है उसमें मैं बेसिकली आपको सितंबर से लेके अप्रैल 2019 तक में हिंदू द हिंदू के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, देखिए होने को हिंदू में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और बेसिकली मोस्ट ऑफ द जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपके रिपीटेड होते हैं। ठीक है, बट जो हम कराएंगे, जिन वर्ड्स हम डील करेंगे वो नए होंगे बिल्कुल, और कुछ ही लिमिटेड होंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा आपको दिक्कत भी ना हो रिवाइज करने में। देखिए, आपको वोकैबुलरीज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप जो भी MB पब्लिकेशन है और बाकी जो भी बुक्स होती हैं उसमें से पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको हिंदू एनालिसिस में इतना आपको बहुत होगा, आप हिंदू से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। इसके दो पार्ट आएंगे, ठीक है, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका इन इट्स इंटायरिटी। इन इट्स इंटायरिटी का मतलब ये पता है, इंटायर यानी कम्प्लीटली, ओके, टोटली बिल्कुल, पूरे हर चीज़ को कवर करके। ठीक है, दूसरा वर्ड आपका रैचेट अप। रैचेट अप का बेसिकली मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग बाय अ सीरीज ऑफ सच अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, मतलब रैचेट अप का मतलब है बेसिकली अप, रैचेट मतलब बहुत तेजी से किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, पर्जरी का मतलब होता है गाइस फॉल्स, गलत चीज, गलत एविडेंस, मिसलीडिंग एविडेंस। ठीक है, कोई गलत चीज, ओथ लेना या कोई भी गलत चीज, किसी भी नेगेटिव चीज का हम पर्जरी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ये वर्ड ब्रागाडोकियो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलग है थोड़ा, बाकी ये वर्ड तो आपने देखे ही होंगे। ब्रागाडोकियो का मतलब है एरोगेंट वे ऑफ एक्टिंग बिहेविंग, एम्प्टी बोस्टिंग। बोस्टिंग मतलब हवाबाजी करना, ठीक है, ब्रैगिंग, शोइंग ऑफ, शोबाजी करना ज़्यादा। ठीक है, तो ब्रागाडोकियो का मतलब होता है एरोगेंटली, जो थोड़े एरोगेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फिलीबस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिलीबस्टर का मतलब होता है एक टैक्टिक मेनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट टू डिले और ब्लॉक लेजिस्लेटिव एक्शन और ऑन अ बिल और अदर मैटर बाय डिबेटिंग इन एट अ लेंथ, ए वे ऑफ डिलेइंग प्रिवेंटिंग अ वोट ऑन अ बिल। तो फिलीबस्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को डिले करना, रोकना, किसी चीज को ब्लॉक करना। ठीक है, फिलीबस्टर। उसके बाद है हेडविंड्स। हेडविंड्स का बेसिकली मतलब होता है एक सिचुएशन और कोई कंडीशन जो कि बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक है, जिसको हम डिफिकल्टली किसी चीज को डिनाई कर सकें या मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, तो हेडविंड का मतलब ये होता है। और टेलविंड का मतलब होता है, जहां आप देख सकते हो, टेलविंड का मतलब होता है बेसिकली एक सिचुएशन और कोई कंडीशन जो कि बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी किसी चीज की ग्रोथ होना, उसको बोलते हैं हम टेलविंड, मतलब आगे की तरफ। ठीक है, टेलविंड में, और हेडविंड में हम थोड़ा डिफिकल्ट जिसमें ग्रोथ होती है। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठे आंसू। ठीक है, फॉल्स टीयर्स ऑफ ग्रीफ। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है गाइस ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऑफ वरी। कॉन्स्टर्नेशन, ये बहुत बार SSC में आपका पूछा गया है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब बेसिकली होता है एक तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऑफ वरी और एंजाइटी दैट कॉजेज कन्फ्यूजन, डिसमे, सरप्राइज और शॉक, इसको हम कॉन्स्टर्नेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आउट ऑफ वैक। आउट ऑफ वैक का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर, खत्म हो जाना, नॉट वर्किंग, यूजलेस। ओके, पैन का मतलब होता है क्रिटिसाइज सीवियरली, सेंसर, अटैक और कंडम करना। ठीक है, पैन का मतलब एक तरीके से किसी चीज को रोकना, इसको उस पर कोई अटैक करना। ठीक है, पैन का मतलब। ट्रैपिंग्स का मतलब होता है एक आउटवर्ड अपेयरेंस, जिसके हम हमेशा आउटवर्ड अपेयरेंस पे ही लोगों के जाते हैं। ठीक है, तो उसे ट्रैप बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, ट्रैपिंग्स। गैफे का मतलब होता है गाइस बेसिकली एक एम्बेरसिंग मिस्टेक, एक गलती, गैफे का मतलब। ठीक है, इनकार्सिरेट का मतलब होता है इम्प्रिजन, कन्फाइन, पुट इन प्रिजन, मतलब किसी को जेल में डालना, किसी को कैद करना। ठीक है, इसके बाद है ये टू ओपन लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। टू ओपन लूजन द पर्स की स्ट्रिंग्स को, इसका मतलब इट फिगरली मीन्स टू इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑफ मनी, मतलब जैसे कि हम किसी भी पर्स है, अभी पर्स है, उसकी हम स्ट्रिंग्स को ऊपर नीचे करते हैं जिससे बैग कम भारी लगे, हैवी लगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना उसमें ज़्यादा कैश होगा, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। प्लेंटिव का मतलब होता है पर्सन हु इज ब्रिंगिंग अ लॉ सूट अगेंस्ट अदर पर्सन बिफोर अ कोर्ट, क्लेमेंट, लेजिटेटर और पेटिशनर, मतलब बेसिकली बोलते नहीं आई विल सू यू इन द कोर्ट, तो प्लेंटिव का मतलब बेसिकली यही होता है, जो मुकदमा करते हैं दूसरे के खिलाफ। ठीक है,
उसके बाद है बी स्टेप्ड इन. बी स्टेप्ड इन का मतलब होता है बेसिकली फिल विद, इम्ब्यू विद, सराउंड विद, इन्फ्लुएंस. बी स्टेप्ड विद का मतलब है बेसिकली इन्फ्लुएंस करना, फिल करना किसी चीज को, भर देना किसी चीज को. व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का मतलब होता है ए सपोर्टर हु बिलीव्स व्हाइट पीपल आर इनहेरेंटली सुपीरियर टू अदर रेसेस. ठीक है, तो ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का मतलब है. फ्लॉक का मतलब होता है गैदर, जैसे ये फ्लॉक वर्ड आपने बहुत यूज सुना ही होगा. ठीक है, ए स्पैनर इन द वर्क्स इंपॉर्टेंट है. ए स्पैनर इन द वर्क्स मतलब इंटरफेयर विद, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट. स्पैनर मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता हो, डिसरप्ट करता हो. ठीक है, इम्प्रॉप्टू का मतलब होता है गाइज अनप्रिपेयर्ड, किसी चीज को बिना प्रिपेयर करे करना, इसे इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं. ये आ रखा है बहुत बार पहले भी. इनट्रांजिजेंस का मतलब होता है रिफ्यूजल टू चेंज ओपिनियन व्यूज और एग्री कॉम्प्रोमाइज समथिंग. तो इनट्रांजिजेंस का मतलब होता है कि रिफ्यूज करना किसी चीज को. ठीक है, उसके बाद है आपका इंसेंडेरी. इंसेंडेरी का मतलब होता है प्रोवोकेटिव, एजिटेशनल और रेबल राउजिंग. ओके, पाइल समथिंग ऑन का बेसिकली मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना. ओके, ओवर प्ले. स्नब, स्नब का मतलब होता है इंसल्ट, ह्यूमिलेशन और रिबफ. स्नब का बेसिकली मतलब होता है इंसल्ट करना, ठीक है, ह्यूमिलेट करना किसी को. ओके, नोटोरियस का मतलब है गाइज इनफेमस, इनफेम्ड विद अ बैड रेपुटेशन. ओके, नोटोरियस का मतलब, नोटोरियस मतलब कि जिसकी अच्छी इमेज ना हो, गंदी इमेज हो बेसिकली. विच हंटर होता है बेसिकली गाइज जो कि इट मींस टू पनिश बिलीव टू एवेल, मतलब किसी भी चुड़ैल या कुछ भूत को हंट करने वाला, विच बेसिकली. ठीक है, सब पोइना, एस यू बी पी ओ ई एन ए, सब पोइना का मतलब होता है इट मींस अ रिटन ऑर्डर दैट कमांड्स समवन टू अपेयर इन कोर्ट. ठीक है, तो ये भी वही है बेसिकली. स्टैंड इन द वे ऑफ मतलब किसी के रास्ते खड़ा होना, यानी कि उसको प्रिवेंट करना आगे बढ़ने से. ठीक है, एक्सासर्बेट है गाइस, ये थोड़ा दिखे नहीं रहा होगा. एक्सासर्बेट का मतलब होता है मेक वर्स्ट, किसी चीज को वर्स्ट कर देना, बुरा से भी बदतर कर देना. ठीक है, अब ये वर्ड गाइस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जापान में बेसिकली ये हुआ है हिकिकोमोरी. हिकिकोमोरी बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें ना इंसान सबसे अकेला हो जाता है, विड्रॉ कर लेता है हर सोशल कॉन्टेक्ट, हर चीज, वो अकेला रहना चाहता है, वो किसी का कोई उसको साथ नहीं चाहिए. ठीक है, वो बिल्कुल अपना अकेला ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, हर टाइम अकेला रहना चाहता है, चाहे वो खुश हो दुख हो. तो हिकिकोमोरी का मतलब ये है. एबोरेंट का मतलब होता है हेटफुल, गंदा, ऑफेंसिव, रिपंगेंट. ठीक है, उसके बाद आपका फायर ब्रांड. फायर ब्रांड का मतलब है बेसिकली रेवोल्यूशनरी, इंस्टिगेटर, रेबल राउजर और ट्रबल मेकर. जो कि फायर ब्रांड बेसिकली फायर मतलब कोई चीज ट्रबल पहुंचाने वाला बेसिकली. ठीक है, टिट फॉर टैट मतलब आप इक्विवेलेंट रिटेलिएट करते हैं, जैसे सामने वाला आपके लिए व्यवहार करता है वैसे ही आप करते हैं. ठीक है, एसाइलम बेसिकली वहां जहां पे लोगों को रखा जाता है. ठीक है, ड्यू टू सम पर्सिक्यूशन, हार्म, हैरेसमेंट. ओके, डिफेक्टो मतलब की होता है एक तरीके से एफेक्टिव, एग्जिस्टिंग एफेक्टिव. ठीक है, इम्पीचमेंट होता है मतलब किसी के अगेंस्ट चार्ज करना है, एक्यूज करना उसको किसी क्राइम के लिए. ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि एक ऐसा सस्पेंस या कोई टेंशन वाला समय स्टेट होना. ठीक है, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी ऑफिस को छोड़ देना, किसी ऊंचे पद से नीचे आ जाना. ओके, फिर है प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब होता है गाइज बेसिकली केयरफुल, फार साइटेड, जो कि दूर की सोचता उसे प्रूडेंट बोलते हैं. ठीक है, टेक फॉर ग्रांटेड. टेक फॉर ग्रांटेड मतलब जो कि अंडरस्टैंड समथिंग इज करेक्ट विदाउट क्वेश्चनिंग, मतलब हर चीज को पहले से ही करता है कि वो सही होगा, सही बोल रहा होगा, एज्यूम कर लेता है हर चीज. फेयर मॉन्गरिंग का मतलब होता है एक मतलब लोगों के बीच में भय उत्पन्न करना, डराना उनको, फेयर मॉन्गरिंग. ओके, डॉक्टर का मतलब आपको पता ही होगा, कोई भी चेंज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और मॉडिफाई द अपेरेंस ऑफ इमेज. ठीक है, तो किसी चीज को बदलने को भी हम बोलते हैं डॉक्टर, टैम्पर विद और फोर्ज. ठीक है, कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है एसोसिएट होना किसी के साथ, पार्टनर विद अदर इन अ रॉन्गफुल और इलीगल एक्टिविटी, कॉम्प्लिसिट का मतलब. ठीक है, प्रोटेगी का मतलब होता है गाइस बेसिकली ए यंग पर्सन हु इज टॉट एंड हेल्प बाय समवन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो किसी को कोई चीज समझाना, सिखाना स्टूडेंट को, ट्रेनी को, उसे प्रोटेगी बोलते हैं. कमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, ऑनर करना किसी को रिगार्डिंग किसी भी चीज के लिए, होमेज देना, पे होमेज टू, ट्रिब्यूट देना. फ्यूसिलेज का मतलब होता है मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू विच द विंग्स, टेल्स एंड इंजन आर अटैच्ड, उसे फ्यूसिलेज बोलते हैं. ठीक है,
उसके बाद है राइल। राइल का मतलब होता है गाइस इरिटेट करना, अनॉय करना और बॉदर करना किसी को, ठीक है, राइल का मतलब बेसिकली। तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा वर्ड, ओके। सैबोटेज, सैबोटेज मतलब डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, बिल्कुल डैमेज कर देना। ब्रिंकमैनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे कि एक अच्छे रिजल्ट मिल सके, बेशक से वो जो काम है वो डेंजरस क्यों ना हो, ठीक है, सेफ्टी को भूल के बिल्कुल। ब्रिंकमैनशिप मतलब अंधे होके ऐसा काम कर दो चाहे उसमें कुछ हो क्या हो उससे हमें फर्क ना पड़े। गम्शन का मतलब होता है गाइस करेज, ठीक है, नर्व, स्पिरिटेड इनिशिएटिव और आपका एस्ट्यूटनेस, एक तरीके से करेज होना, ठीक है, और एस्ट्यूटनेस होना बिल्कुल, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब होता है समथिंग विच प्रोवाइड सपोर्ट और मोटिवेशन टू डू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, स्प्रिंग बोर्ड, ओके। वाया मतलब कॉन्टेस्ट, कम्पीट करना, ठीक है। ट्राइड का मतलब होता है तीन पीपल का समूह। परसिक्यूशन का मतलब होता है इल ट्रीटमेंट, अब्यूज करना, किसी को परसिक्यूट करना, ठीक है। यूसरपेशन, उसूरपेशन का मतलब होता है, उसूरपेशन मींस यूसरपेशन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। द एक्ट ऑफ टेकिंग ओवर सीजिंग अ पोजीशन ऑफ पावर, उसूरपेशन का मतलब किसी चीज को ओवरटेक कर लेना, सीज कर लेना, पावर हथिया लेना, ठीक है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है एक ऐसी एक्यूजेशन, चार्ज और एलिगेशन लगाना किसी में रिगार्डिंग एनी क्राइम, ठीक है। हेमोरेज का मतलब होता है एक सडन अनकंट्रोलेबल लॉस ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, किसी का खो, किसी को खो देना एकदम से, उसे हेमोरेज बोलते हैं। कभी कभी हम जैसे किसी अपने चहीते को जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, कुछ करते हैं तो हो, मतलब कोई छोड़ गया है, कुछ होता है तो हेमोरेज हो जाता है कई लोगों को, ठीक है, तो बिल्कुल ही पागल से हो जाते हैं, अपना हर चीज भूल जाते हैं, अनकंट्रोलेबल लॉस हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये इसको वर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो हेमोरेज को, ठीक है, और ज्यादा दिल पे मत लेना इस वर्ड को, ठीक है, खुश रहो सारे। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब है गाइस अनमिस्टेकेबल, ठीक है, और अनएम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है, ठीक है, अनएम्बिगस क्लियर होना, एम्बिगस मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, तो अनइक्विवोकल का मतलब है जो कोई गलती ना कर सके, जो बिल्कुल क्लियर हो। हैश आउट का मतलब होता है टू हैव अ लेंथी और एग्रेसिव डिस्कशन, किसी, हैश आउट का मतलब बेसिकली होता है किसी दो लोगों के बीच में एक अनहेल्दी डिस्कशन होना, ठीक है, एग्रेसिव वे में, ओके। उसके बाद है ये आपका साइबर एस्पियोनेज, साइबर एस्पियोनेज, ठीक है, साइबर एस्पियोनेज का मतलब है बेसिकली आपका साइबर स्पाइंग करना, ठीक है, किसी के बीच, किसी के प्राइवेसी में घुस के किसी चीज को, प्राइवेसी को हनन करना। फिर है बैकस्टॉप, बैकस्टॉप का मतलब है लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी पॉइंट, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं इसको पूरे पार्ट को कंप्लीट करा दूंगा, वीडियो थोड़ी सी छोटी है तो उसके लिए आई एम सॉरी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।